हिंदी व्याकरण से एक नया पाठ, वाक्य अशुद्धि शोधन। वाक्य अशुद्धि शोधन मतलब वाक्य में किस तरह से अशुद्धियां होती हैं और उनका किस प्रकार हम शोधन कर सकते हैं, यानी शुद्ध कर सकते हैं। वाक्य अशुद्धि शोधन सार्थक एवं पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। प्रत्येक भाषा का मूल ढांचा वाक्यों पर ही आधारित होता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि वाक्य रचना में पद क्रम और अन्वय का विशेष ध्यान रखा जाए। इनके प्रति सावधान न रहने से वाक्य रचना में कई प्रकार की भूलें हो जाती हैं। वाक्य रचना के लिए अभ्यास की परम आवश्यकता होती है। किस तरह की वाक्य अशुद्धियां होती हैं? नंबर एक है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। आइए उदाहरण द्वारा जानते हैं। अशुद्ध वाक्य है ये, वह आंख से काना है। इसका शुद्ध रूप है वह काना है, क्योंकि जो व्यक्ति काना है वह आंख से ही काना होता है। आप शनिवार के दिन चले जाएं, शनिवार भी एक दिन है, इसको शुद्ध रूप में ऐसे जानेंगे, आप शनिवार को चले जाएं। दूसरा है परसर्ग संबंधी अशुद्धियां। उदाहरण है आप भोजन किया, इसका शुद्ध रूप है आपने भोजन किया। दूसरा है उसने नहाया, इसका शुद्ध रूप है वह नहाया। तीसरी अशुद्धि है लिंग संबंधी अशुद्धि। आइए उदाहरण द्वारा जानते हैं। जैसे हमारी नाक में दम है, इसका शुद्ध रूप है हमारे नाक में दम है। दूसरा उदाहरण है मुझे आदेश दी, ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध रूप है मुझे आदेश दिया। वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप है उसे दो रोटी दे दो, शुद्ध रूप है उसे दो रोटियां दे दो। दूसरा उदाहरण देखिए मेरा कान मत खाओ, शुद्ध रूप है मेरे कान मत खाओ। आगे है स्वर नाम संबंधी अशुद्धियां। उदाहरण द्वारा जानते हैं। जैसे तुम तुम्हारे रास्ते लगो, इसका शुद्ध रूप होगा तुम अपने रास्ते लगो। दूसरा उदाहरण है हमको क्या, शुद्ध रूप है हमें क्या। आगे है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। इसमें अशुद्ध वाक्य है मुझे छिलके वाला धान चाहिए, इसका शुद्ध रूप है मुझे धान चाहिए, क्योंकि जो धान होता है वो छिलके सहित होता है। दूसरा है एक गोपनीय रहस्य, इसका शुद्ध रूप है एक रहस्य। आगे है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, इसका उदाहरण जाने उसे हरि को पटक डाला, शुद्ध रूप होगा उसने हरि को पटक दिया। आगे उदाहरण देखे वह चिल्ला उठा, शुद्ध रूप होगा वह चिल्ला पड़ा। मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में हम कुछ मुहावरे भी प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण द्वारा जानते हैं कि किस तरह से शुद्ध रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे वह शाम पर बरस गया, शुद्ध रूप होगा वह शाम पर बरस पड़ा। आगे है उसकी अकल चक्कर खा गई, शुद्ध रूप होगा उसकी अकल चकरा गई। अगली अशुद्धि है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। इसका अशुद्ध रूप जाने वह लगभग रोने लगा, शुद्ध रूप होगा वह रोने लगा। उसका सर नीचे था, शुद्ध रूप होगा उसका सर नीचा था। अव्यय संबंधी अशुद्धियां। जैसे वे संतान को लेकर दुखी थे, तो शुद्ध रूप होगा वे संतान के कारण दुखी थे। वहां अपार जनसमूह एकत्रित था, इसका शुद्ध रूप होगा वहां अपार जनसमूह एकत्र था।
वाक्यगत संबंधी अशुद्धियां, उदाहरण है तलवार की नोक पर, शुद्ध रूप होगा तलवार की धार पर। मेरी आयु 20 की है, शुद्ध रूप होगा मेरी अवस्था 20 वर्ष की है। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां, आइए जानते हैं मेरे पिता सज्जन पुरुष हैं। यहां पर शुद्ध रूप होगा मेरे पिता सज्जन हैं। वे गुनगुने गर्म पानी से स्नान करते हैं, इसका शुद्ध रूप होगा वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। अगले भाग में हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।